बंगाल के और बंगालियों के लाखों करोड़ों भाइयों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई थी। वो समस्या थी शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलती थी, शरणार्थियों को नागरिकता नहीं। ममता बनर्जी जब विपक्ष में थी उन्होंने खुद ये मुद्दा उठाया था, संसद नहीं चलने दी थी। सत्ता आ गई, वोट बैंक के तुष्टिकरण की राजनीति शुरू हो गई और जब मोदी जी सीए लेकर आए एक कांग्रेस कम्युनिस्ट ममता सारे विरोध में खड़े हो गए। इस देश में वो माइनॉरिटी को डराते कि माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमान भाइयों बहनों की नागरिकता चली जाएगी। ये बंगाल की कलकत्ता की धरती पर से मैं कलकत्ता के सभी बंगाल के सभी माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, सीएए से आपकी नागरिकता कभी जाने वाली नहीं है। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं। मगर हमारे करोड़ों करोड़ों भाई जो पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी ईसाई यहां आए हैं, वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं, अपना जान माल गवा कर आए हैं, महिलाओं की इज्जत लूट ली गई, मंदिर तोड़े गए, गुरुद्वारे तोड़े गए, उनको वहां से भगाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, 70 साल से यहां रह रहे हैं, उनके पास नागरिकता नहीं। मुझे बताओ उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? और जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी सीए लेकर आए, लाखों करोड़ों बंगालियों को नागरिकता मिल दी है, ममता दीदी ने इसका विरोध किया, बंगाल के अंदर दंगे करा दिए, ट्रेनें जला दी, रेलवे स्टेशन जला दिया। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, ममता दीदी ये मेरे नाम शूद्र और मतुआ परिवार के दलित भाइयों ने आपका क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है? हम उनको नागरिकता देना चाहते हैं, आप क्यों विरोध कर रही हो? क्यों आपको ये अपने नहीं लगते हैं? आपको घुसपैठिए ही अपने लगते हैं? आपको जो लगे वो लगे, मैं बताने आया हूं 70 साल से जो शरणार्थी भाई यहां आए हैं हम उनको नागरिकता देकर रहेंगे, उनको सम्मान देकर रहेंगे। भाइयों बहनों, शरणार्थियों को डराया जा रहा है, आपको कागजात देने पड़ेंगे, आपका रहने का यहां से अधिकार छीन लिया जाएगा, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पुलिस स्टेशन जाइए, पटवारी के पास जाइए। मैं आपको कहता हूं कहीं ना जाइए, हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी ईसाई सारे लोग जो यहां आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार वो सबको नागरिकता देने वाली है, ममता दीदी हमें रोक नहीं सकती। मित्रों, मोदी जी की सरकार बनी, सरकार विकास के रास्ते पर, गरीबों के कल्याण के रास्ते पर 5 साल चली। इस बार सरकार बनने के बाद मोदी जी ने विकास के साथ साथ देश की सुरक्षा और देश के सम्मान के साथ जुड़े ढेर सारे मसले हाथ में लिए। बंगाल वालों, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है जिन्होंने 370 के लिए अपना बलिदान कश्मीर की भूमि पर दिया था। आप लोग चाहते हैं या नहीं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग बने, बताइए भाई, चाहते हैं ना? चाहते हैं ना? तो कोई 370 हटाता नहीं था, मोदी जी ने आपकी कृपा से 300 सीटें मिली, 5 अगस्त 2019 को संसद में धारा 370 को समाप्त कर दिया। आप मुझे बताओ
धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी। ये ममता दीदी ने संसद में धारा 370 हटाने का विरोध किया। इस काम के लिए ममता जी को माफ कर सकते हो आप? कर सकते हो आप?